नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की बड़ी ताज़ा खबर के साथ। तो हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की सेहत से जुड़ी बड़ी खबर आपके समक्ष लाए हैं। तो क्या हालात हैं बीमारी को लेकर सीएम सुक्खू के, पूरी खबर आपके समक्ष जरूर साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो हिमाचल सीएम आठवें दिन आईसीयू से बाहर आए, दर्द खत्म, खाना पीना शुरू, लेकिन कमजोरी से ज़्यादा चल नहीं पा रहे, आइसोलेशन वार्ड में रखा गया। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एम्स दिल्ली में 8 दिन तक आईसीयू में भर्ती रहे। उनके स्वास्थ्य में सुधार के बाद आज उन्हें आईसीयू से आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया गया। यहां पर भी सीएम को अभी ज्यादा लोगों को मुख्यमंत्री को मिलने नहीं दिया जा रहा। डॉक्टरों की पूरी टीम मुख्यमंत्री सुक्खू के स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए हैं। आज भी उनके गैस्ट्रोएंटरोलॉजी से टेस्ट किए गए, इसकी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। वहीं मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने बताया कि सीएम ने अब खाना पीना शुरू कर दिया है और वार्ड में टहल रहे हैं। उनका दर्द अब पूरी तरह खत्म है, मगर कमजोरी के कारण ज़्यादा चल फिर नहीं पा रहे। वहीं सूचना के अनुसार एक दो दिन बाद मुख्यमंत्री को आइसोलेशन से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया जा सकता है। यह भी संभव है कि मुख्यमंत्री को अस्पताल से छुट्टी दे दी जाए। यदि छुट्टी दी गई तो मुख्यमंत्री को अगले कुछ दिनों के लिए कंप्लीट रेस्ट करना होगा। बता दें कि हिमाचल सीएम पैनक्रियाज और पेट में इन्फेक्शन की समस्या से जूझ रहे थे। अब पैनक्रियाज और पेट का इन्फेक्शन पूरी तरह ठीक हो गया है। तो प्रमुख रूप से यही है बड़ी खास खबर कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू एम्स दिल्ली में 8 दिन तक आईसीयू में भर्ती रहे, तो आज जो है इनके स्वास्थ्य में सुधार के बाद आईसीयू से आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया गया है। तो अभी के लिए यही है बड़ी खास खबर। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।